अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये लो, अब राश के काम देखना मिलन क्या हो रही है। ये से ड्रामा है इसके, उठाओ चादर भी फेंक दी मशीन की। अल्लाह, इस लड़के को तो बस यही मसला है। अब मिनल क्या करने लगी है मुझे नहीं पता। कल के कपड़े हैं, कल के लिए कपड़े। कल क्या है? अच्छा, चेंज करोगी सूट। देखें अब राश के बाल, देखें ज़रा कितने बड़े हो रहे हैं। इस लड़के की ना तबीयत इतनी ख़राब है, नज़ला खांसी जा ही नहीं रहे, मुसीबत बन गई है। देखें कौन सा फ़ैन ऑन किया हुआ है हमने आज। आज हुआ हादसा, हमारा फ़ैन गिर गया। ये देखें, गिरा तो नहीं था खैर पूरा, बस ये था कि गिरने ही वाला था तो फिर निकलवा दिया। ये देखें हमारे कमरे की हालत, जो कि अब राश ने की हुई है। कल था मुझे तेज़ वाला बुखार, इस वजह से मैंने कल वीडियो ही नहीं बनाई। यही हो रहा है रोज़ाना, एक दिन छोड़ के वीडियो बन गई, एक दिन छोड़ के। और फिर अब राश की भी तबीयत नहीं ठीक है, अब राश बहुत तंग कर रहे हैं। अभी देखिएगा आप लोग कैसे चीखना शुरू करेगा अब राश थोड़ी देर। ये गुस्सा इसका। पैंट ये अभी सी के बनाई थी, ये फिर फाड़ दिए पैंट। ये अब राश इस चक्कर में कि इस फैन को मैं किसी तरीके से गिरा दूँ, बस ये चक्कर। हाँ, तीन बार गिरा चुके हैं। अभी देखो बिला मुझे थूक दिया, आके हटो हटो यहाँ से हटो। कोई काम सुकून से नहीं होता। मिनल फैन का ध्यान रखो, अब राश गिरा पूरी चादर वादर सब चीज़ें अब राश का फैलावा ये पड़ा होता है, एक एक चीज़ अब राश गिरा देता है। मेरा हाथ कल से ना सीधा ही नहीं हो रहा, इतनी शिद्दत की तकलीफ़ है। अभी कॉल आई थी, अम्मी ने भी कहा है, बात की है अभी कि देखो कल शायद नहीं, कल तो नहीं, अब पीर को जाना होगा हॉस्पिटल, क्योंकि दवाई हैं नहीं। मंगल वंगल नहीं, पीर। उठाओ चादर डालो पहले मशीन पे, मैं निकाल दूँगी कपड़े। उठो चादर डालो, मैं निकाल दूँगी कपड़े। हटो दुपट्टा, हटाओ वहाँ से अपना। ये जो इतने मासूम बन के बैठे हैं ना, मुझे पता है ये क्या करने वाला है। अवराश अवराश के सारे ड्रामे मुझे पता है। भाभी बोल रही है कब कुछ पका के दे देती हूँ मैं। मैंने कहा नहीं है, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाभी, कुछ भी नहीं बनाए अभी, देखने मैंने तो मना ही किया। अब वो क्या पीछे लगी है, बना दो। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं बनाओ। अभी बर्तन भी नहीं धोए, चाय वाले बर्तन ऐसे ही पड़े। लाइट ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ। फैन उतर ही गया, गिर गया, तो फिर इस पर हमने कलर करवा दिया। देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये टेप लगा हुआ है। मेरी शादी का लगा हुआ है, 20 साल हो गए, पहली बार इस पर कलर करवाया। इतना खूबसूरत लग रहा है, अभी साफ़ सुथरा हो गया। स्टूल यहीं रखा हुआ, अभी स्टूल इसलिए लेकर आए थे कि इस पर चलते स्टोव पे। फिर हमने पंखा उतरवाया। ये देखें चाय के बर्तन ये रखे हैं, पहले मैं किचन का दरवाज़ा खोल गया, फिर चाय के बर्तन रख कर आऊँगी। वहाँ के बैठ गया यहाँ पे, दरवाज़ा नहीं खोलो, दरवाज़ा खोल देती हूँ, कोई ना कोई चीज़ कमरे में उड़ के आ जाती है अजीब वरीब से। मिनल देखना फ्रिज के पास नहीं आए, वो सब कलर हुए हुए रखे हुए फैन के वो। हाँ अब राश को बुला लो, चाय के बर्तन, उसकी रोटी फ्राई की थी मैंने, तो ऐसी रख चाय के बर्तन मेरे, चाय रखी हुई है बची हुई अभी, अभी बनानी है सुबह में मैंने। मैं सुबह मैंने पूरे पूरे 1 घंटे में नाश्ता बनाया, उसकी वजह ये कि एक हाथ से मैंने किस तरह आटा गूंदा है और एक हाथ से ही पराठा बनाया। आज ऊपर इधर आओ, अंदर आओ मेरा बेटा। एक हाथ से ही मैंने पराठा, लो अल्लाह रहम करे हमारी वीडियो पे, जब वीडियो बनाने शुरू करते हैं तो अब राज का ड्रामा शुरू हो जाता है। देखते हैं भी लगेगा नहीं इधर प्लग, ये भी मसला है। ये इधर लग जाए तो बात है, ऐसे मुश्किल है। लग रहा है नहीं लग रहा,
नहीं लगता, ऑन हुआ नहीं हो रहा ना, नहीं लगता ही। सारा दिन आज हम गर्मी में ही थे। ये देखो ये लो, अब राज को लग गई प्यास। मिनल अल्लाह रहम करे अबराश को। लाओ अबराश में पानी, प्यास लग गई। अंदर आओ, यहाँ पर इतना अंधेरा हो रहा है। अंदर आ रहे हो, यहीं बैठ के पियोगे। पिलो पानी पीने का, नज़ला इतना हो रहा है ना अबराश को, तो ज़्यादा ही प्यास लग रही है। बेटे यहाँ पर इतना अंधेरा हो रहा है, आ जाओ आओ आ जाओ आओ जल्दी से आओ। अरे भाई पानी है, गिलास में गिर जाएगा। चलो आ जाओ, बुलाओ भाई इसको। मैं तो इसको पकड़ पकड़ के ना थक गई, फजूल में मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है अबराश ने। आ जाओ अंदर, चलो अबराश का यही काम है बस। देखें अभी रोटी भी बनानी है, 9 बजने वाले हैं, नमाज भी नहीं पढ़ी है ईशा की, मोबाइल भी साफ नहीं किया, बस अबराश की ड्रामेबाजी है। मैं अबराश का समझ में नहीं आ रहा, कहाँ दिखाऊँ। मैंने इतनी दवाइयाँ, इतनी एंटीबायोटिक सब दे दी, लेकिन इसका नज़ला नहीं सही हो रहा है। इस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया। एक तो मुझे गर्मी इतनी शदीद लग रही है, वो चार्ज भी नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि तेज़ नहीं चल रहा, बहुत गर्मी लग रही है मुझे शदीद वाली। अभी बोल के आई हूँ भाभी को, मुझसे आगे स्टैंड वाला फ़ैन उनके घर पे, मैंने बोला भेजें तेरी, अभी मैं भेजती हूँ। इस नहा ले ज़रा। मैं इस लड़के से ना बहुत ज़्यादा ही तंग हूँ, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, दूर हट जाओ ना इससे तो सही है। बिला वजह की ड्रामेबाजी, कोई नहीं अच्छा वाला नहीं सोने दिया, ये जागता है और फिर बिला वजह की ड्रामेबाजी करता है। कोई नहीं, अबराश मैं मारूंगी, बहुत तंग किया हुआ इसने मुझे बहुत ज्यादा। फुल तो करो इसे, सही नहीं लगा हुआ ये। और कितना सही है, हुआ नहीं हुआ, लगाने का तरीका होना चाहिए सब। मैंने सुन लिया है आपने, ये इधर से भी लेट वो हुई थी, अभी फैन लग जाए वरना रात में तो मुझे मुसीबत हो जाएगी। मैं तो गर्मी इतनी शदीद हो रही है, वैसी अजीब सा मौसम है, कभी सर्दी कभी गर्मी, मुझे तो वैसी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, दवाइयों की वजह से बुरा हाल हो जाता है। देखें इसका गुस्सा, देखें ये देखें, ये शदीद वाला गुस्सा होता है जो इस तरीके से उछलना कूदना होता है ना। मिनल तो फैन में ही उजरेगी बस, अब तेज़ किया, इतनी देर से मैं बोल रही थी तो कोई वो ही नहीं था। देखें कितना अंधेरा हो रहा है, लाइटें बंद रखो, ऐसे अंधेरा घूम रहा था बाहर, इतना छोटा सा सेवर कर रहा हूँ। ये रोना शुरू हुआ, बिला वजह का रोना है, रोने से ही तंग रहती हूँ। रोते रहो कुछ नहीं होता। मामू की अभी कॉल आई थी ना, मामू ने बोला वॉइस आया, उन्होंने यही बोला कि पीर को आएगा डॉक्टर, फिर जाना हॉस्पिटल, क्योंकि तकलीफ बहुत शिद्दत की हो रही है हाथ में, जो दवाइयाँ नहीं थी वो बहुत हार्ड थी तो वो मैं खा नहीं सकी, इस वजह से मना कर दिया था। अब दूसरी दवाइयाँ नहीं है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें मेरा हाथ ठीक हो जाए। ऑपरेशन होने के बाद भी मैं सुकून में नहीं हूँ, इतनी शिद्दत की तकलीफ है कि नस ना हाथ की ऐसी सूज रही है और बहुत शिद्दत का दर्द हो रहा है। टांके कटने के बाद भी, क्या टांके लगा के रखती हाथ में, इतनी तकलीफ हो रही है मेरे हाथ में। बाकी आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अबराश के लिए भी दुआ करें, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मेरी तबीयत ठीक हो जाए। जो एक मटर के पुलाव वालों की फरमाइश आती है ना, वो मैं बनाऊंगी ज़रूर, ऐसा लगता है वो खाने आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ भाई आ जाएं खाने, जिसको खाना है तो मैं बनाऊँगी। अभी ज़रा है जो भी है, मटर का पुलाव बनाऊँगी मटर का पुलाव भी। ये नहीं है कि बातें ही बनानी आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, काम करने भी आते हैं। ज़रा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत सारे काम हैं, और ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाऊँगी मैं मटर का पुलाव, ये नहीं कि नहीं बनाऊँगी।
अभी देखें हंस रहा है मिनल को देखे, मिनल ने दुपट्टा पहन लिया ना सर पर, ये हंसी नहीं डाटा करो ना, अभी वो सुकून में हंस रहा है तो बिलावल। मम्मी की कॉल आई थी पूछ रही थी कैसी, तो अभी तक मैंने कहा मम्मी हाथ में बहुत तकलीफ है। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे दुआ में रखिए, याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिनल अभी मिनल बोलेगी, कमेंट्स करें बोलो, और हमारे जो भी हमारा चैनल देख रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और दुआओं में याद रखिए। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।